अगर आप लोगों ने आज तक एनीमे के बारे में नहीं सुना है, एनीमे या फिर अनीमे, अनीम, एनीमी, एनीमे कुछ भी कहते हैं इंडिया में तो लोग, तो ये उस समय की बात है जब हम भी एनीमे की शक्तियों से अनजान हुआ करते थे। एंड मुझे कई लोगों ने सजेस्ट करा उस वक्त के भाई आप एनीमे देखो, लेकिन मैंने कभी किसी पे भी इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने जेन्युइनली कभी भी किसी एक कैटेगरी ऑफ कंटेंट के लिए इतनी हाइप, इतनी एक्साइटमेंट लोगों में, मतलब एनीमे फैन ग्रुप्स मैंने ऐसे देखे कि भाई आप देखो, आप देखो, आपको बहुत मजा आएगा। वो इतना मोटिवेट करते थे कि भाई देखो देखो, जैसे मतलब उनका खुद का कंटेंट हो, उन्होंने खुद बनाया हो। एनीवेज मैंने तो उन सबको इग्नोर कर दिया एंड अपना जीवन में जीता रहा, अनटिल दैट वन डे जब मेरे को अपनी किसी वीडियो में ना एक सस्पेंस वाला थिंकिंग म्यूजिक यूज करना था। तो मैंने वही जो हम करते हैं, मैंने सर्च करा सस्पेंसफुल थिंकिंग म्यूजिक एंड मुझे याद है तब मुझे डेथ नोट की वो ट्यून मिली थी, टा 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 टा, एंड मैंने उसका बिल्कुल ऐसा 2-3 सेकंड का वो म्यूजिक यूज करा अपनी वीडियो में एंड वीडियो पोस्ट कर दी। उसके बाद जो कमेंट्स उस पे आने शुरू हुए, ओ डू यू गाइस रियलाइज ही यूज डेथ नोट म्यूजिक, एंड तब भी मेरे को ऐसा हुआ कि डेथ नोट म्यूजिक, मतलब मुझे पता भी नहीं मैंने कौन सा म्यूजिक यूज कर दिया एंड ये सारे मेरे को बता रहे हैं कि डेथ नोट का म्यूजिक है, डेथ नोट का म्यूजिक है। तो तब भी मैंने सर्च करा डेथ नोट के बारे में एंड मुझे पता चला डेथ नोट इज एन एनीमे। तो आई वॉज लाइक ओके, ये डेथ नोट है, एनीमे है, इसका म्यूजिक काफी अच्छा है, ठीक है, बट मैंने तभी भी इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं डिस्कॉर्ड पे अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, ऐसे हम गेम वगैरह खेल रहे थे एंड जैसे ही गेम खत्म होती है तो वो कह रहा है चल भाई मैं तो सीरीज देखने जा रहा हूं। मैंने कहा भाई क्या देखने लगा है, एंड वो बोलता है भाई एनीमे देख रहा हूं। लाइक भाई क्या ये यार, सारे एनीमे फैंस है क्या, मतलब इतना दीवानापन क्यों है इस चीज के लिए। अभी मेरे को भी इंटरेस्ट हो गया कि भाई मेरे को भी जानना है कि व्हाई, ऐसा क्या है इस कंटेंट में कि लोग इतने ज्यादा क्रेजी है इसके लिए। तो मैंने कहा भाई तू बता मैं क्या देखूं, तो वो मेरे को कहता है भाई आप ना डेथ नोट देखो। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड, ये तो वही वाला एनीमे है ना जिसका वो म्यूजिक मैंने सुना था थोड़े टाइम पहले। एंड तब भी तो आई डिसाइडेड कि चल ठीक है कि मैं अब एनीमे देखूंगा एंड बिलीव मी दैट changed my life because second episode जब तक डेथ नोट का खत्म होता है वो देखते देखते तो आई वॉज लाइक भाई भाई मैंने इससे बढ़िया चीज देखी नहीं है अपनी जिंदगी में, ये क्या देख लिया है मैंने। मतलब सेकेंड एपिसोड के एंड तक ऐसा इंटरेस्ट बना दिया उसने मेरा कि बस एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि मैं अब पागलों की तरह एनीमे देख रहा हूँ। सीरियसली डेथ नोट इज एन इंट्रो एनीमे के जब स्टार्ट करते हैं लोग एनीमे वगैरह देखना तो डेथ नोट देखते हैं। एंड मैंने जब डेथ नोट खत्म करा उसके बाद तो आई वॉज लाइक भाई अब भी मेरे को बताओ मैं इसके बाद क्या देखूं। तो मैंने लोगों से फिर सजेशंस लेने लगे और भाई एनीमे फैंस इतने ज़्यादा मतलब सपोर्टिव हैं, वो ऐसे ऐसे सजेशन दे रहे हैं मेरे को, भाई आप डेमन स्लेयर देखो, भाई आप वन पंच मैन देखो, भाई आप नरूटो देखो। एंड उसके बाद मैंने सेकेंड अपना एनीमे देखा वो था वन पंच मैन, एंड बिलीव मी टिल डेट वन पंच मैन इज माई फेवरेट एनीमे। एंड उसका एक रीज़न है, बिकॉज यार एनीमे सिर्फ ये नहीं है कि आपको एंटरटेनमेंट देंगे, एक पर्सनली आई फील कि एनीमे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग भी होते हैं क्योंकि उसके कैरेक्टर्स इतनी ज़्यादा डिटेल से लिखे होते हैं। मतलब फिल्म्स वगैरह में इतनी ज़्यादा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, इतना ज़्यादा कैरेक्टर डिटेलिंग नहीं दे सकते जितने एनीमेज में देते हैं। अब वन पंच मैन क्यों मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है, उसका रीज़न ये है कि वन पंच मैन साइटामा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, मतलब उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड इसके बावजूद भी ही डज नॉट गेट एनी रिकॉर्ड, मतलब लोग उसको फेक बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई तू फेक है, तू स्कैम करता है लोगों को, झूठा है एकदम, एंड ही डज नॉट केयर, उसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑब्वियसली वो चाहता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें। आई रिमेंबर एक एपिसोड होता है जिसमें सी वाला कोई एक मॉन्स्टर होता है एंड उससे कोई भी हीरो नहीं जीत पाता, क्लास एस के हीरोज तक उससे पिट रहे होते हैं एंड साइतामा एंड में आता है एंड एक पंच में हरा देता है एंड सारे जो लोग होते हैं ना आसपास के वो डाउट करना शुरू कर देते हैं, इसने साइतामा ने एक पंच में मार दिया इतने बड़े विलन को और ये सारे हीरोज मिलके भी उस बंदे का बाल तक नहीं बाका कर पाए, तो ये कैसे है, मतलब ये तो सारे हीरोज फेक है, सारे उनकी शक्तियों डाउट करने लग जाते हैं। तो साइतामा जस्ट टू सेव द रेपुटेशन ऑफ अदर हीरोज सारा ब्लेम खुद पे ले लेता है कि ये तो बाकी हीरोज ने उसको मार मार के वीक कर दिया था, मैं तो फेक हूं, मैंने तो एक पंच मार के बस क्रेडिट लेने आ गया था मैं। तो वो पर्सनली क्यों मेरे को इंस्पायरिंग लगा था कि यार बहुत बार होता है कि हम रिकॉग्निशन सीख करते हैं कि यार हमको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, थोड़ी सी इज्जत मिले, पर नहीं मिलती है भाई। Why are we still here? Just to suffer.
वहां से एक ये मेरे को थिंकिंग मिली. एंड सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाट आई बिलीव एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इज देयर स्टोरी टेलिंग. मतलब जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाते हैं, जिस तरीके से हर एपिसोड बाय एपिसोड स्टोरी बिल्ड होती है, वो बहुत ही ज्यादा इनसेन है. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर वॉचिंग माई हीरो अकेडमिया एंड उसमें एक कैरेक्टर है वन फॉर ऑल. एंड बिलीव मी, मैं रोता नहीं हूं, लेकिन दैट सीरीज मेड मी क्राई. मतलब पूरी सीरीज नहीं, उसमें एक पर्टिकुलर एपिसोड था एंड उन्होंने स्टोरी इस तरीके से बिल्ड की होती है कि आपके माइंड में अब ये चीज आ चुकी है दैट ही इज गोइंग टू डाई. अगेन स्पॉइलर अलर्ट्स, आई एम सॉरी पहले से. वो पूरा एपिसोड मैं ऐसे बैठा होता कि ओ गॉड प्लीज कुछ भी हो जाए, बस मरना नहीं चाहिए, इसकी पावर्स चली जाए, कुछ भी हो जाए, कोई तो आके बचा लो, बस ये मरना नहीं चाहिए. एंड बिलीव मी 40 मिनट्स के उस पूरे एपिसोड में मैं ऐसे बैठा हुआ था, नहीं प्लीज प्लीज, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज. तो मतलब वो स्टोरी टेलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यार इट मेड मी इमोशनल. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर आपने अभी तक एनिमे नहीं देखे हैं सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच सम एनिमे. डेथ नोट से स्टार्ट करो एंड उसके बाद वन पंच मैन, जो मर्जी देखना चाहो, नारुतो देखो. एंड यार मतलब एनिमे फैंस आर genuinely so supportive. इतना ज्यादा क्रेज किसी एक टाइप के कॉन्टेंट के लिए मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है. एनिमे इज अ जॉनर ऑफ कॉन्टेंट दैट विल ड्राइव योर इंटरेस्ट. एंड इतना ही नहीं, इट विल ऑल्सो मेक योर टेस्ट ऑफ कॉन्टेंट बेटर. मतलब स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा यार. आई हैव बीन रिकमेंडेड टू वॉच फुल मेटल एल्केमिस्ट. मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे डिस्कॉर्ड पे फ्रेंड्स ने बोला है कि फुल मेटल एल्केमिस्ट देखो. तो आई एम गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई एम गोइंग टू वॉच फुल मेटल एल्केमिस्ट. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.